कॉकटेल राजमहल एपिसोड 111 नई चुनौती। विशाल और दिव्या सुमन की बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। इंतजार, सुमन ने आगे कहा, मैं पिछले 7 सालों से आयुष का इंतजार कर रही हूँ। उसने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया और शादी का झूठा वादा करके मेरे जिस्म के साथ खिलवाड़ किया। और जब मैंने उससे अपना हक मांगना चाहा, तो वो बिना कुछ सोचे समझे पीछे हट गया। अब मैं उससे अपना बदला लेना चाहती हूँ। उसे मारकर और उसके सीने का खून पीकर ही मेरा ये बदला पूरा होगा। उसकी मौत से दुनिया के सारे लोगों को ये सबक मिल जाएगा कि उन्हें कभी किसी के दिल के साथ खेलना नहीं चाहिए। देखते ही देखते उस कमरे के अंदर चल रही हवाओं का रुख और भी ज्यादा खतरनाक हो गया और वो आंधी में बदलने लगे। सुमन का गुस्सा भी उन हवाओं के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है और उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा डरावना हो चुका है। मेरे कातिल को लेकर आओ, बदला चाहिए मुझे, बदला! वो जोर जोर से चीखते हुए पूरे कमरे में हवा में उड़ने लगी और उसकी चीखें पूरे होटल राजमहल में गूंजने लगी। धीरे धीरे करके उस कमरे का सारा सामान नीचे गिर गिर कर टूटने लगा। दिव्या और विशाल को समझ में नहीं आ रहा कि वो सुमन को किस तरह शांत कराए। तभी अचानक से सुमन हवा की रफ्तार से उन दोनों के ठीक सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो उन दोनों के इतने नजदीक है कि दिव्य और विशाल उसकी गर्म सांसों को भी महसूस कर पा रहे हैं। वो गुस्से से उन दोनों को घूर रही है और तभी उसने चिल्लाते हुए कहा, अगर तुम दोनों उसे लेकर यहाँ पर नहीं आए तो मैं इसी जगह इसी कमरे में तुम्हारी समाधि बना दूंगी और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये सब देखकर दिव्या और विशाल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उनके शरीर डर से थर थर कांपने लगते हैं। इतना कहते ही सुमन की आत्मा वहां से किसी धुएं की तरह गायब हो जाती है। दिव्या और विशाल को अब पता चल चुका है कि श्रुति की आत्मा एक दूसरी आत्मा की कैद में है, जिसने अपने प्यार की वजह से अपनी जान दे दी। अब दिव्या और विशाल के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। श्रुति को मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें पहले सुमन की आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी और उसके बॉयफ्रेंड को होटल राजमहल में लेकर आना होगा, जिसकी वजह से उसने जान दी है। ये सब कुछ उन दोनों के लिए आसान नहीं होगा। अगर उन्होंने सुमन को इंसाफ नहीं दिलाया तो वो उन दोनों की जान ले लेगी। विशाल, अब हम दोनों क्या करेंगे? हम लोग तो बुरी तरह से फंस चुके हैं। हमारे पास जो एड्रेस है वो भी पता नहीं किसके घर का है और हमें ये भी नहीं पता कि वो लड़का हमें मिल पाएगा या नहीं, दिव्या ने परेशान होते हुए कहा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा दिव्या। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हम उस लड़के को मनाकर होटल राजमहल तक कैसे लेकर आएंगे, विशाल ने कुछ सोचते हुए कहा। लेकिन हमें इससे पहले इस एड्रेस पर जाकर देखना होगा कि यहाँ पर कौन है और क्या कोई हमारी मदद कर सकता है या नहीं। तभी होटल में लगी घड़ी 3:30 बजने का इशारा करती है और पूरा होटल राजमहल आग के लपटों से घिरने लगता है। चारों तरफ चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगती हैं। विशाल और दिव्या एक दूसरे का हाथ पकड़े होटल राजमहल से बाहर निकल जाते हैं। वहीं उनके पीछे खड़ा होटल राजमहल धू धू कर चलने लगता है। अपने हाथ में एक पता पकड़े विशाल और दिव्या किसी सोच में डूब जाते हैं। ये पता राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के एक गांव का है। तपती दोपहरी में आसमान से आग बरस रही है और दिव्या और विशाल बस में बैठे उस गांव की तरफ जा रहे हैं। ये गांव होटल राजमहल से काफी दूर है। दिव्या और विशाल दोनों काफी ज्यादा थके हुए हैं।
वो पिछले 2 दिनों से सोए नहीं है और उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो रही है। उनके बाल बिखरे हुए हैं और उनके चेहरे पर थकान और कमजोरी साफ दिखाई दे रही है। दिव्या, तुम मेरे कंधे पर सर रखकर कुछ देर के लिए सो जाओ, तुम काफी ज्यादा थकी हुई हो और ठीक से सोई भी नहीं हो, विशाल ने प्यार से दिव्या के चेहरे को छूते हुए कहा। थके तो तुम भी काफी हो विशाल, जब भी होटल राजमहल में कुछ ना कुछ होता है मेरा दिल बैठ जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा चोट भी तुम्हें आती है और वो आत्माएं सबसे ज्यादा निशाना भी तुम्हें ही बनाती है। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं हर वक्त कितने डर के साथ जीती हूं। ये कहते हुए दिव्या के चेहरे पर विशाल के लिए घबराहट और प्यार दोनों एक साथ दिख रहे हैं। दिव्या की बात सुनकर विशाल का दिल पिघल गया और उसने जवाब दिया, तुम मेरी चिंता मत करो, पहले हमें श्रुति और सुमन को इंसाफ दिलाना होगा और उसके बाद मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूंगा, तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। विशाल की बात सुनकर दिव्या के चेहरे पर एक सुकून की लहर दौड़ गई और उसने विशाल के कंधे पर अपना सर रख दिया, मगर कुछ ही देर बाद उसे अपने हाथ पर कुछ गीलापन महसूस हुआ और उसकी आंख अपने आप खुल गई। जब उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसके हाथ पर कहीं से खून टपक रहा है। यह सब देखकर दिव्या की चीख निकल गई। उसने घबराते हुए ऊपर देखा तो बस की छत से सुमन उल्टी लटकी हुई है, उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए हैं और उसके माथे से बहता खून टपक टपक कर नीचे दिव्या के चेहरे पर गिर रहा है। विशाल! दिव्या ने तुरंत विशाल को कसकर पकड़ लिया। वो बस काफी खाली है और वहां पर ज्यादा लोग नहीं हैं। विशाल भी ये सब देखकर बुरी तरह से डर जाता है और दिव्या का हाथ पकड़कर तुरंत अपनी सीट से उठ जाता है। बस रोको, रोको ये बस! वो दोनों तुरंत ड्राइवर की सीट पर पहुंचे और ड्राइवर से बस को रोकने के लिए कहने लगे, मगर ड्राइवर उनकी बात सुने बिना चुपचाप बस चलाए जा रहा है। अरे ओ भाई साहब, आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैंने कहा ये बस रोको! विशाल ने जैसे ही उसके कंधे पर अपना हाथ रखा, ड्राइवर ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा। उस ड्राइवर के मुंह पर चमड़ी का नामो निशान नहीं है और उसकी आंखें पूरी तरह से काली है। यह सब देखकर दिव्या और विशाल के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं और वो दोनों डर के मारे लड़खड़ाकर पीछे गिर जाते हैं। विशाल! वो दोनों कसकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। तभी वो ड्राइवर अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और उसके मुंह से काफी सारी मकड़ियां बाहर निकलकर आ जाती हैं। वो मकड़ियां तेजी से रेंगते हुए दिव्या और विशाल की तरफ बढ़ने लगती हैं और उन्हें अपनी तरफ आते हुए देखकर वो दोनों बुरी तरह से चीखने और चिल्लाने लग जाते हैं। जैसे ही मकड़ियां उनके करीब आने लगती हैं, तभी विशाल तुरंत दिव्या को कसकर गले लगा लेता है और उसे अपने अंदर छुपा लेता है और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता है। अरे ओ भाई जी, ओ भाई जी, क्या हो रहा है ये सब? ओ भाई जी! तभी उनके कानों में किसी की आवाज आई। उन दोनों ने धीरे से घबराते हुए अपने चेहरे से अपने हाथ हटाए तो देखा कि बस का कंडक्टर नीचे झुककर बहुत ध्यान से उन्हें देख रहा है। अठे के कर रहे हो भाई जी? थारे लिए यो बस की सीट है ना? उस कंडक्टर के चेहरे पर साफ साफ लिखा हुआ है कि वो दिव्या और विशाल को पागल समझ रहा है। वो दोनों भी इस वक्त काफी ज्यादा कंफ्यूज और हैरान हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या सुमन की आत्मा उन्हें परेशान कर रही है या फिर ये सब कुछ उनके मन का एक वहम है। उन्होंने कुछ सोचते हुए कंडक्टर से कहा, हमें माफ कर दीजिए, शायद हमें कोई गलतफहमी हो गई थी। गलतफहमी तो कोई ना, लेकिन थारा बस स्टॉप जरूर आ गयो है। वो कंडक्टर अभी भी दिव्या और विशाल को हैरानी से देख रहा है। वो दोनों तुरंत उठकर खड़े हो गए और अपने कपड़े ठीक करते हुए कहा, जी हम अभी उतर जाते हैं, धन्यवाद। चलो भाई, रोक दो गाड़ी, उतारो भाई जी ने। उस बस के रुकते ही दिव्या और विशाल नीचे उतर गए। वहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है।
और गांव के लिए जाती हुई सड़क बिल्कुल सुनसान पड़ी है। ऐसा लग रहा है जैसे उस गांव में बरसों से कोई आया ना हो। विशाल, हम लोग सही जगह पर तो जा रहे हैं ना? कहीं ऐसा ना हो कि ये सब कुछ किसी जाल का हिस्सा हो और हम दोनों फंस जाएं? दिव्या ने कुछ सोचते हुए कहा। ये सब तो हमें वहां पर जाकर ही पता चलेगा। दिव्या और विशाल ने देखा कि वो गांव काफी ज्यादा अजीब है। किसी भी घर का दरवाजा खोला नहीं हुआ है और सब लोग अपने घरों में बंद हैं। किसी भी घर से कोई बाहर नहीं निकला हुआ है और उन्हें दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा। उस पते पर पहुंचकर दिव्या और विशाल ने देखा कि वो एक छोटा सा घर है जिसके आंगन में एक बड़ा पीपल का पेड़ लगा हुआ है। उन्होंने वहां जाकर दरवाजा खटखटाया और अंदर से एक 60 साल के आसपास की उम्र की औरत कुछ बड़बड़ाते हुए बाहर निकली। उस औरत ने घाघरा चोली पहना हुआ है और अपने सिर पर लंबा पल्लू लिया हुआ है जिसका एक कोना उन्होंने अपने मुंह में दबाया हुआ है। अरे, इस तपती दोपहर में कौन आ गया अब? दरवाजा खोलते ही वो औरत घूरते हुए दिव्या और विशाल को देखने लगी। हाँ जी, कौन हो आप? जी नमस्ते, मेरा नाम दिव्या है और ये विशाल है। हम दोनों जयपुर के होटल राजमहल से आए हैं। होटल राजमहल 7 साल पहले जलकर पूरी तरह से राख हो गया था, मगर अब उसे फिर से बनाया जा रहा है। अब एक बार फिर से उसमें जो जो भी गेस्ट रहे हैं उनके घर पर जाकर उन्हें पार्टी और इनॉग्रेशन के लिए स्पेशल इनवाइट दिया जा रहा है। वह सब तो ठीक है, लेकिन आप लोग यहाँ पर आए क्यों हो? जी, क्या ये सुमन चौहान का घर है? विशाल ने आगे बढ़कर पूछा। ये नाम सुनते ही उस औरत ने तुरंत अपने पीछे घर के अंदर देखा और खुद बाहर आकर जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। ये सब देखकर दिव्या और विशाल काफी हैरान हो गए। बाहर आते ही उन्होंने धीमी आवाज में गुस्से से बोलना शुरू कर दिया। खबरदार, जो उस छोरी का नाम भी लिया तुम्हारे सामने, और अगर उसके बापू ने उसका ये नाम सुन लिया तो थारे साथ साथ मारे को भी जिंदा जलाकर मार देंगे। दिव्या और विशाल को उनकी ये बात समझ में नहीं आई। लेकिन आप इस तरह से क्यों कह रही हैं? मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ? अरे, उस छोरी के कर्म ही ऐसे हैं, तो मैं क्या करूँ? शहर में पढ़ने भेजा था और वहीं पर एक छोरे के साथ रंग रलियां मनाती रही। एक दिन आकर अपने बापू के सामने कहन लागी कि अपनी मर्जी से शादी करेगी। हमने उसे समझाया कि यो तो ना हो सके और हमने उसकी शादी तय कर दी, मगर अपनी शादी के दिन ही वो घर से अपने मंगलसूत्र के साथ साथ सारे जेवर लेकर भाग गई अपने आशिक के साथ। ये कहते हुए उन्होंने काफी अजीब सा मुंह बना लिया, जैसे उन्हें सुमन की बात करते हुए भी घिन आ रही हो। तो क्या आपने इस वजह से उससे अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए? क्या अपनी मर्जी से शादी करना इतनी बड़ी गलती होती है? दिव्या ने हैरानी से उस औरत से पूछा। उसे यकीन नहीं हो रहा कि आज के समय में भी इस तरह के लोग हैं जो अपने बच्चों को उनकी मर्जी से शादी करने की इजाजत भी नहीं देते। हाँ, हाँ, बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती है। अपनी शादी वाले दिन घर से भागकर उसने हमारे परिवार के साथ साथ पूरे गांव की नाक कटवा दी। आज भी पूरे गांव में कोई सर उठाकर बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। आसपास के 36 गांव में हमारी थू हो गई। ये कहते हुए उन्होंने अपना सर झुका लिया। मैं तो आज भी मारी इस कोख को दोष देती हूँ जिससे वो कलंकनी पैदा हुई। उन्होंने अपने पेट पर हाथ मारते हुए कहा। इसके बाबू आज तक किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हैं, इसलिए अच्छा होगा कि तुम दोनों भी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो इसके बापू थारे साथ साथ मारा घला भी घोड़ देंगे। इतना कहकर वो औरत अपने घर के अंदर जाने लगी, मगर तभी अचानक से विशाल ने उन्हें रोक लिया। आपने किसी लड़के का नाम लिया, क्या उस लड़के का नाम आयुष है? विशाल ने उनसे पूछा। हाँ,
मगर थारे को यो नाम कैसे पता? हमारे होटल के रजिस्टर में आपकी बेटी और उस लड़के दोनों का नाम था। वो हमारे होटल में आकर रुके थे, मगर जब होटल में आग लगी तो आपकी बेटी उसमें जलकर मर गई। ये सुनकर कुछ देर के लिए वो औरत सहम गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके पैरों तले जमीन खींच ली हो। उनका मुंह खुला का खुला रह गया, मगर तभी उन्होंने कुछ ही देर में अपने आप को संभालते हुए कहा, जिस छोरी के ऐसे कर्म हो उसे तो मौत ही नसीब होनी चाहिए। हमारे लिए तो वो उसी दिन मर गई थी जिस दिन वो अपने बापू सा का नाक कटाकर इस घर की दहलीज को छोड़ कर गई थी। ये सब उसी के कर्मों की सजा है जो उसे मिली है। लेकिन वो लड़का, क्या आप जानती हैं कि वो लड़का कहां पर रहता है? दिव्या ने कुछ सोचते हुए पूछा। हाँ, वो जयपुर में ही कहीं पर रहता है, किसी बड़े नेता का बेटा है, आयुष महेश्वरी। आगे से अगर आपको सुमन से जुड़ी हुई कोई भी बात करनी हो तो उस लड़के के पास जाना, हमारे पास नहीं। फिर चाहे उसकी मौत की खबर देनी हो या फिर उसका पिंडदान करना हो। नमस्ते। इतना कहते ही उन्होंने दिव्या और विशाल के मुंह पर अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया। ये सब देखकर दिव्या और विशाल काफी ज्यादा हैरान हो चुके हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर किस तरह के लोग हैं जिन्हें अपनी ही बेटी की मौत का कोई दुख नहीं है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो घर से भाग गई थी। दूसरी ओर अब विशाल और दिव्या के आगे अब एक नई चेतावनी आ खड़ी हुई है कि आयुष एक बड़े नेता का बेटा है। अब विशाल और दिव्या किस तरह से आयुष को लेकर होटल राजमहल जाएंगे? तो क्या होगा कहानी में आगे? कैसे एक नेता के बेटे को होटल राजमहल ले जा पाएंगे विशाल और दिव्या? कैसे श्रुति और सुमन की आत्मा को मुक्ति मिलेगी? क्या करेंगे विशाल और दिव्या इन चुनौतियों को पार करने के लिए? इन सभी सवालों के जवाब सुनने के लिए सुनिए होटल राजमहल।